बच्चों, मैं सुमित्रा गौतम। आज हम कक्षा 8 की पुस्तक बसंत का पार्ट 3 बस की यात्रा का शेष भाग समझेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री हरिशंकर जी परसाई। ये एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत का मतलब क्या होता है? किसी यात्रा का वर्णन करना। इसमें बस की यात्रा का वर्णन किया गया है तथा ये वर्णन किया गया है कि बस की पहले कैसी हालत थी, बस कैसी दिखाई दे रही थी, ये सब इसमें वर्णन किया गया है। इसमें कठिन शब्द आए निमित्त, निमित्त का अर्थ है कारण, गोता, गोता का अर्थ है डुबकी लगाना, इत्फाक संयोग, बियाबान, बियाबान का अर्थ होता है जंगल, प्रयाण, प्रयाण का अर्थ होता है प्रस्थान करना, अंत्येष्टि, ये एक होता है दाह संस्कार का कर्म, बेताबी का अर्थ होता है बेचैनी। तो हमने पढ़ा था कि लेखक है जो वो बस में यात्रा कर रहे हैं और बस जो है वो बहुत जर्जर है, बहुत पुरानी है, वो किसकी तरह दिख रही है? एक वृद्धा की तरह दिख रही है और उसमें वो यात्रा कर रहे हैं लेखक हरिशंकर परसाई जी, तथा उसमें हिस्सेदार भी बैठा हुआ है जो उसकी बस को जो एक कंपनी है ना उसका हिस्सेदार भी बैठा हुआ है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। बस जो पहले चल रही थी ना जिस रफ्तार से, उससे भी बस कम गति हो गई थी, धीरे चलने लगी थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। जैसे कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, उसकी रोशनी कम दिखाई देने लगती है उसको आंखों के द्वारा, तो इसी तरह से ऐसा लगा कि मानो बस को भी कम दिखाई देने लग गया है। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। ऐसा लग रहा था कि चांदनी रात थी और उसमें वो रास्ता ढूंढ रही थी और उसमें वो चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती। जैसे ही कोई बस, कोई गाड़ी, कुछ भी आगे पीछे से आता दिखाई देता तो ड्राइवर उसको एक तरफ साइड में लेकर के खड़ा कर लेता था और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। ऐसा लगता कि मानो बस कह रही है दूसरे वाहनों से कि तुम निकल जाओ आगे, मेरी तो इतनी उम्र नहीं है कि तुमसे आगे निकल सकूं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। जैसे ही पुलिया के ऊपर पहुंचे तो लेखक बता रहे हैं कि एक टायर फिस हो गया, यानी टायर पंचर हो गया, वो बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। बस जो थी ना बच्चों, वो बहुत तेज़ गति से हिली और फिर थम गई, रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती, लेकिन उसकी स्पीड कम थी, उसकी गति कम थी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरह पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वो टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। लेखक ने सोचा कि भाई मैं तो पहली बार बैठा हूँ, लेकिन हिस्सेदार को तो पता है ना इस बस की हालत, फिर भी अपनी जान को हथेली में लेकर के इसमें सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान का सही उपयोग नहीं हो रहा है। अर्थात इस व्यक्ति में, जो हिस्सेदार व्यक्ति है, उसमें बहुत साहस है, बहुत बलिदान है, लेकिन उसका सही जगह पे सदुपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाएं पसारे उसका इंतजार करते और कहते, वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, कि अगर ये बस उछल जाती तो हम सब मर जाते और देवता लोग बाहें पसार करके हमारा स्वागत करते, प्रतीक्षा करते और कहते कि वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपनी जान दे दी। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या? कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी हमारे मन में तो कोई उम्मीद ही नहीं थी
कोई आशा ही नहीं थी कि अब हम पन्ना पहुंच सकते हैं या किसी ऐसे स्थान पर पहुंच सकते हैं। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी, ऐसा लगता था कि अब तो पूरा जीवन इसी बस में व्यतीत करना है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण जाना है। इसके बाद इस बस में ही हमें क्या करना है, इस लोक से उस लोक जाना है, अर्थात हमें मृत्यु प्राप्त हो जानी है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, हमारी बेताबी तनाव खत्म हो जाए, ऐसा कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा था जिससे हमारे मन का तनाव समाप्त हो जाए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। हम ऐसे बैठ गए कि अब ठीक है, जैसे घर पर बैठते हैं वैसे, कि जो भी होगा वो मंजूर होगा। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। धन्यवाद बच्चों, ये पाठ आज ही समाप्त हो गया है।